पूरे देश का मैं आज भी बोलता मोदी के दांत में दम है ना तो पूरे मंदिर खुदवाओ, सब के अंदर बुद्ध मूर्तियाँ निकलेंगी। क्या ये बोलते हैं मस्जिद में शिवलिंग निकला, हाँ शिवलिंग से हम तो इज्जत करते हैं ऐसा थोड़ी है, लेकिन हम लोग कोई हिंदू धर्म को बुरा नहीं बोलते। धर्म के लोग कोर्ट गए थे वहाँ पे जो है जुर्माना कर दिया गया। अरे वो राम मंदिर का मसला कभी का था, 1817 की बात कर रहे हैं आप। वो अभी जब जिसके बाद में सरकार है उसके बाद में मीडिया है उसके पास में न्याय व्यवस्था है तो वो तो ये उधर तो ही रिजल्ट मिलेगा ना भाई साहब। जिस तरह से हिंदू जा रहे कोर्ट तो बौद्धिस्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों जाएंगे वोट? हम लोग उनको मजदूर मजदूर कर दिया बेचारे, वो असमर्थ है, वो ताकतवर नहीं है, सबसे शोषण आ रहा है, सब में दरिद्रों का भोजन का कई सालों से शोषण हो रहा है और उसका फायदा उठा रहे हैं इन लोग। मोदी जी विदेश जाते हैं कहते हैं बुद्ध की देश से आए हूं, बुद्ध की धरती से आया हूं। वो बोलेंगे क्योंकि उनको वहां पर पैसा पानी मिलता है ना, फंड मिलता है ना, लेकिन बुद्ध दिया है दुनिया को। फिर भारत का बुद्ध पूरे देश में गया है, मोदी को सोचना चाहिए मेरा बुद्ध इतना महान है उससे मुझे देश में मान सम्मान मिलता परदेश में। लेकिन आप सोचो कि जो परदेश में घूम रहे हैं ना मोदी, वो हमारे टैक्स से भर रहे हैं, हमारे पैसे से, देश के पैसे से घूम रहे हैं, और वो पैसा अगर हमारे देश के रोजगार को लगाए, देश के स्वास्थ्य सेवा को लगाए, शिक्षा सेवा को लगाए, तो हमारा देश का परिस्थिति बदल जाएगा। लेकिन तो राम की बात कर रहे हैं, हनुमान की बात कर रहे हैं। अरे राम हनुमान करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा साहब संविधान ने सबको सम्मान दिया है। हम भी बोलते कि राम, हम भी चालीसा बोलते, हमारा भी चालीसा देखो, जय 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 संविधान गाता अखंड भारत की रक्षा करता, ये आप भोंगे बजाओ, ये आप चालीसा में बजाओ, आपका देश का उन्नति होगा। चालीसा हो रही है आपके नवनीत राणा महाराष्ट्र में कर रही है, इसलिए मतलब ये गाओ ना आप बाबा अम्बेडकर अनामा गाओ, आप ये संविधान गाथा गाओ, संविधान बुद्ध गाथा गाओ। गवी जी, मोदी जी विदेश जाते हैं वहाँ जय श्री राम की बात नहीं करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन देश में जय श्री राम की बात करते हैं। क्योंकि उनका जो चलाने वाला आदमी है ना, वो जो आरएसएस के लोग है ना, उनको ये देश के अंदर अशांति फैलाना है, यहाँ के गरीबों को मजदूर मजलूम शोषण उनका खून पीने के लिए, क्यों 15% लोग है, हम 95% लोग है, तो उन पर हावी पड़ते हैं। तो कोई भी हालत में हम शिक्षा में स्वास्थ्य में आगे ना बढ़े, और आरएसएस के लोगों को डर लगता है कि अगर ये पढ़ के लिख के बड़े हो जाएंगे तो ये देश फिर से बुद्धिस्ट बन जाएगा, इसलिए डर डर के। धर्म तो अरे धर्म की रक्षा करने संविधान दिया है ना, तुमको किसने अधिकार दिया धर्म की रक्षा करने का? संविधान देख रहा सबको, संविधान ने दिया अधिकार। मोदी सरकार ने रेलवे में 2.25 लाख नौकरी खत्म कर दी 8 दिन के दौरान। भाई वो तो छोड़ो, आज के डेट के अंदर नौकरियों के अंदर रेलवे के अंदर 66.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, वैकेंसी नहीं भरी, भरी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर यानी ठेकेदारी पे, ठेकेदारी गुलामी होती है। तो मोदी चाहता है कि यहाँ का हिंदू गुलाम बने, यहाँ का मुस्लिम गुलाम बने, यहाँ का बहुजन गुलाम बने, यहाँ का दलित गुलाम बने, और 15% लोगों की चाकरी नौकरी करे, उनके घर में काम धंधा करे, तो ये सब नहीं चलने वाला है। आज का बहुजन समाज जागृत हो चुका है, आज का मुस्लिम समाज जागृत हो चुका है, आज का ओबीसी समाज जागृत हो चुका है। आने वाले दिनों में मोदी के अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं तो मोदी को हारना तय है, 2024 के अंदर मोदी जाना तय है, और नहीं गए जाएंगे तो हम उसके लिए भारत भ्रमण करेंगे, और लोगों के सब जितनी राजनीतिक पार्टी है छोटी मोटी देश के अंदर संस्थाएं, इनको एक करेंगे और आईडिया के माध्यम से एक साथ जोड़ेंगे, इंडियन डेमोक्रेसी एनालिसिस करेंगे, और देश के अंदर हम फिर से सरकार लाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम जो है ईवीएम से नहीं कराएंगे चुनाव, अगली बार जो है बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां है जो, वो तो ऐसी कोई मांग नहीं उठा रही है सरकार से। क्योंकि विपक्षी पार्टियां डरी हुई ना उनसे, उनके पास मसल पावर है, बैन पावर है, उनके पास में आईडी सीबीआई सब कुछ है ना, तो विपक्ष के भी लोग कई हाथ उनके फंसे रहते हैं, डर जाते हैं, हमारा का हाथ फंसे हमें डाल दो अंदर, हम तो मांग करेंगे बैलेट से लेकर। घर घर मोदी हो रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे हर बाबा साहब, हर बाबा साहब घर में हो रहा, क्या बात कर रहे हैं आप? बाबा साहब है तो मोदी है, बाबा साहब ने मोदी कहाँ से आता? वो तोड़ने वाले अंधभक्त होते, दो चार तो देश में होते ऐसे ना, तो दो चार लोग को माफ कर देने का, वो उनकी गलती है, उनके माँ बाप ने वो सिखाया तो क्या कर सकते, संविधान बदलेंगे, क्या बदलेंगे, उनके बाप की ताकत है क्या संविधान बदलने के लिए, उनको उनके 10 पूर्वज भी बदल सके, वो क्या बदलेंगे संविधान? कह रहे आरएसएस वाले 2025 में 100 साल हो जाएगा ना आरएसएस को, हाँ तब बदल जाएंगे, मनुष्य स्मृति लेकर आएंगे, कैसे लेके आएंगे, देश के अंदर पूरा हंगामा बन जाएगा। हम लोग संविधान रक्षक है, हम जो संविधान रक्षक बैठे हैं ना, अरे हिंदू राष्ट्र की जब देश पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत देश बुद्धिस्ट देश है, कहाँ से हिंदू देश बन जाएगा? बाबा साहब ने संविधान लिखा एक नंबर कालम में लिखा आर्टिकल में कि भारत देश है, हिंदुस्तान तो आप बोल रहे हैं, बोलो आपको अधिकार बोलने का दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है ना, हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ हो रही, बुद्धिस्ट राष्ट्र में हिंदुस्तान नहीं लिखा, नहीं लिखा है, जाके पढ़ लो पहले पान पे ऊपर लिखा आर्टिकल एक लिखो पढ़ो। हाँ आप अखंड भारत की बात कर रहे, यही तो आरएसएस कह रहा है कि अखंड, अरे अखंड क्या, मेरे उसके बाप का शब्द है, मेरा शब्द है अखंड भारत की आरक्षण संरक्षण संविधान करता है, वो बात कर रहा हूँ मैं। सर जो दलित सांसद है 131 लोकसभा में कुछ काम कर रहे हैं दलित, अरे वो दलितों का तो वो दबा के रखा है ना, 131 उनको आरक्षण दे चुका है, बन चुके हमारे जो 131 सांसद है, उनको सिर्फ पेट भरने का, बीवी बच्चे भी प्रॉपर्टी बना रहे, जब देश के अंदर हालत खराब हो जाएगी तो उनकी भी खाल उतरी जाएगी। जब से मोदी जी आए हैं केंद्र में 2014 से
जो बहुजन पार्टियां हैं यूपी में बिहार में वो कुछ खत्म सी होती जा रही है, क्योंकि इनके पास में जो साम दंड भेदभाव से यूज कर रहे ना ये पार्टी को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने भी यही किया था देश के अंदर, पहले डिवाइड एंड रूल किया था और बाद में देश के ऊपर राज करेंगे। अभी वही नीति इन लोग आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, डराओ धमकाओ और शासन करो। तो इसके अंदर बदलाव आने के लिए जागरूकता जरूरी है। कह रहे मोदी जी का डंका बज रहा है देश और दुनिया में, कहा बज रहा है, यहाँ के लोग वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं, जो प्रदेश विदेश में गए ना महाराष्ट्र के लोग देश के लोग वहाँ नौकरी करने गए और नौकरी के वहाँ पेट भर रहे हैं, अपने भारत में अपनी नौकरी नहीं थी इसलिए वो जापान गए चाइना गए जा गए और वहाँ पर घर घर मोदी कर रहे हैं, बाद में मोदी कोई कोई पूछता नहीं आने के बाद में। सर मोदी सरकार ने नोटबंदी करी जीएसटी लेकर के आए और उन्होंने जो है काफी बदलाव, अरे भाई रुपए की कीमत फिर भी लगातार गिर रही है, अरे आज 78 रुपीस डॉलर की कीमत हो गया, इसका मतलब मोदी जिम्मेदार है, इसलिए मोदी ने इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए, दायित्व तो बनता है। आज रुपए की जो नोटबंदी के अंदर के जमाने के अंदर महंगाई इतनी बढ़ चुकी, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसके बाद में भारत के अंदर जो मोदी ने जीएसटी लाया नोटबंदी लाया उसके अंदर उस टाइम जमाने में भारत के विदेशों के अंदर 8 लाख करोड़ जमा था अपने विदेशों के अंदर अपने भारत के लोगों का, आज 50 लाख करोड़ के अलग अलग कंपनियों के पैसे जमा है। तो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है इंडिया, मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन देश के अंदर ऐसी हालत रही तो आवाम कुछ भी कर सकती है, आवाम के हाथ के अंदर कोई बोलने वाला होता नहीं, लेकिन इस्तीफा देंगे मोदी जी? नहीं देंगे तो हम उनको हरा देंगे आने वाले इलेक्शन में, रहने दो बनने दो ना उनके, तो उनका नीति नीति में खोड़ दो क्या बनेंगे वो, समाज जागरूक हो जाएगा तो कैसे बनेंगे, अरे क्योंकि वहां तो गिर गए ना अभी बीजेपी तो नहीं महाराष्ट्र के अंदर, हमने तो बिहार में भी कोशिश की हराने की, हमने पश्चिम बंगाल में गए, हम बिहार में गए, यूपी में गए, तो नहीं हरा पाते आप लोग, महाराष्ट्र के अंदर हरा है ना, क्या सो रहे हो क्या, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की नहीं है, पिछली बार तो रही थी ना, तो वो आई थी पत्थर मार दे आ गई, कैसे कैसे गिरी सरकार हो तो सबको पता ही, छोड़ दो ना सर, क्या लग रहा है जो आप आंदोलन कर रहे हैं बदलाव कैसे होगा, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना हमारा काम है, अगर मोदी जी जब सरकार के अंदर है तो उन्हें बाबा साहब के फंडामेंटल गरीबों की राइट्स का उन्होंने आरक्षण देना चाहिए, फंडामेंटल को संभालना चाहिए, मौलिक अधिकार खत्म नहीं करना चाहिए, अगर मोदी ऐसा करता है तो खुद भी खुद मोदी सरकार गिरेगी और बाबा साहब का संविधान उनको हराएगा। जिन लोगों के आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वे लोग तो बात मानते नहीं है, वो लोग कौन होते, वो लोग जो अंधभक्त है पढ़े लिखे अनपढ़ गवार है वो नहीं मानते, तो जो पढ़े लिखे लोग तो मान रहे हैं, और उनके तो जागरूक करना पड़ेगा, आप घर घर जाना पड़ेगा, आप बीवी बच्चे घर में गए तो कैसा होगा, आपको घूमना पड़ेगा, घर घर घूमना पड़ेगा, बाबा साहब का संविधान समझाना पड़ेगा, जब लोग सुनेंगे ना, आप देख रहे देश की परिस्थिति, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, कितनी आज इंडेक्स देख रहे हो, ग्लोबल इंडेक्स क्या है भुखमरी का, बेरोजगारी देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, आज शिक्षा का स्तर देख रहे हो, स्वास्थ्य का स्तर देख रहे हो, ये सब स्तर का अगर पढ़ाई करेंगे आप पत्रकार हो, आपको जानना चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए थे महंगाई के, हम आपकी बात बहुत हो गया, मोदी सरकार महंगाई में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए क्या, ये तो बुरे दिन आ गए पूरे, महंगाई देखो क्या चल रही है, महंगाई कितनी बड़ी आपको मालूम है, जो 400 सिलेंडर आज 8,000 में मिल रहा है, तो इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी में कहा बज रहा हूँ डंका, डंका तो जो दुनिया में आज से लोग गए ना काम करने के लिए, गुजरात के लोग, मुंबई के लोग, वो कहा वहाँ पर मुंबई में काम नहीं मिलता, गुजरात में काम मिलता, वहाँ जाके रह रहे और वहाँ मोदी मोदी कर रहे, उनको शर्म आना चाहिए, कैसे बनेंगे जब देश के अंदर भुखमरी का सब में ज़्यादा है, पर अपना इंडेक्स ज़्यादा है, भुखमरी कैसे बनेंगे, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं है, दो करोड़ नौकरी देने की बात किया सरकार ने, अरे मंदिर बनेगा बनने दो, मंदिर में हमारा भी आरक्षण वहाँ होगा, ऐसा थोड़ी है, लेकिन भारत के अंदर जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी हर साल की थी, तो आज 12 करोड़ नौकरियाँ कम हो गई है, क्या इसका कारण क्या है, ये देश विश्वगुरु बनेंगे क्या, और नहीं चाहिए क्यों मजबूत हो रहा है, क्यों धर्म मजबूत होगा, करने वाले करने दो, लेकिन भारत के अंदर 140 करोड़ में जनता में से 2 करोड़ 1% लोग मस्जिद मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन वोट मिल रहा है बीजेपी को बड़े पैमाने पर, 4-5 राज्यों में से 4 में सरकार बना ली बीजेपी ने, अरे सरकार बनाई मानो कैसे बनाई, आप जाते घूमते हो क्या, अरे दबका के डरा के धमाके गरीबों को धमाके डरा के उनको राशन का बहाना करके उनका संपत्ति दमदाटी करके उनसे वोट हितला लेती है, वोट मिलता नहीं, वोट के अंदर गड़बड़ी करते है, अगर आपका दम है कैसे गड़बड़ी हो रही है, जाके देख के आओ ना आप कैसा, जाके आप एकदम एजेंट बन के देखो इसका, किसका पुलिंग एजेंट बन के देखो, कैसे धमकाते डीएम बन के देखो, कैसे धमकाते पीएम, तो इसका मतलब है कि दम जो उनकी नौकरशाही को दबा के डीएम को पीएम को जो ऑफिसर को दबा के ये जीत के आ रहे हैं, आप देखो इतिहास देखो, और उनको दम है ना, देखो मस्जिदों में देखो सीलिंग निकल रहे हैं, हिंदू मजबूत हो रहा है, अरे कहा ये सब ढकोसले यार, लॉलीपॉप है आप झगड़ा करने के, झूठ बातें कर रहे सब, ये कहा कुछ निकल रहा है, पूरा देश के अंदर आप ढूंढोगे ना।